भारत के यूपी शहर हादरस में दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। 120 लोगों की मौत हुई है एक ही जगह पर एक ही वक्त पर। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सुबह के टाइम हो रहे 5:17 और अभी दोस्तों मैं अपने पापा के साथ में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, तो चलो चलते दोस्तों व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर अभी दोस्तों हम रुके हैं। इस गांव का नाम दोस्तों सांगवी है, छोटा सा गांव है जो कि फोर लाइन के आसपास ही आता है। इधर भी घर रहते हैं और उस पार भी घर है। तो पापा अभी चाय पीने के लिए जा रहे हैं। मैं चाय पीने के लिए नहीं जा रहा हूँ, वैसे तो जाने वाला था। मेरे को चाय अच्छा लगता है लेकिन अजीब लग रहा है, अजीब फील हो रहा है, इसलिए चाय पी नहीं रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से चाय पी के निकलेंगे और व्यापार करेंगे और आप सभी को ब्लॉग में बताएंगे। और आवाज़ देखो काय की आ रही, देखो देखो इधर बैठे मुर्दा खोर भाई, बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो पापा ने भी चाय पी लिया दोस्तों, पापा अभी आ रहे हैं। पापा आ जाए फिर यहाँ से भी निकलते हैं व्यापार करने के लिए। चाय पी लिया उन्होंने। तो दोस्तों अभी यहाँ पर पहुँचे, इस गांव का नाम है दोस्तों गुवाहाटी। यहाँ पर 10-15 मिनट व्यापार करेंगे और थोड़ा और आगे जाएंगे। चश्मा वाला, नंबर वाले, नज़र वाले, चश्मे चश्मा बताओ दादा, नंबर वाले, नज़र वाले। तो अभी दूसरे गांव के अंदर आए दोस्तों, वो वाला गांव हम लोगों ने घूम लिया 10-15 मिनट। वो वाले गाँव के अंदर तो अभी तक बोनी नहीं हुआ है। अभी ये गाँव घूमते देखते यहाँ का क्या रहेगा, क्या माहौल रहेगा। चलो यहाँ पर तो फोकस करते गांव वाले, देखे तो गांव वालों को देखो दोस्तों कैसे भर के जाते, सब काम पे जा रहे हैं अभी। भाग और भाग, भाग भाग, भाग और भाग, भाग। मेरे को घूर के देख रहे थे, जिसे कैमरा उनके पास ले गया भाग गया। चलो व्यापार पे फोकस करते। चश्मा वाला, नंबर वाले, नजर वाले, चश्मे, नंबर वाले, नजर वाले, चश्मे। आप लोगों को चाहिए चश्मा? पकड़ो दादा, ये देखो बारीक, ठीक है। अब दादा आपको 5 महीना पहनना पड़ेगा, नजर क्लियर हो जाएगा। नहीं पहनेगा तो लापरवाही करेगा तो मोतियाबिंदी का असर होते। अभी कैसे दिख रहे, देखो चश्मा अंधो, अभी दे दू क्या दादा? नहीं, गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ये छोटा सा क्लिप देखा, मैं इस तरह से दोस्तों व्यापार करता हूँ। चलो और दोस्तों गांव को घूमते हैं, देखते हैं बोनी कितना देर में और कब होगा। ऊपर वाली की मर्जी रहेगा तो दोस्तों कभी भी करवा देगा, अपना काम है मेहनत करना। नंबर वाले, नजर वाले, चश्मे वाले। यह हमारा दोस्तों तीसरा गांव है, दो गांव ऑलरेडी हम लोगों ने घूम लिया दोस्तों। तो तीसरा गांव के अंदर आ चुका हूँ लेकिन सुबह से अभी तक दोस्तों बोनी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हर एक दिन एक बराबर नहीं रहता है लेकिन कोशिश करेंगे दोस्तों। और अभी तो फिलहाल में भूख लग रहा है। 3-4 दिन पहले मैंने सेव लिया था, 2 पैकेट मैंने लिया था, 1 पैकेट मैंने इसके अंदर रख दिया था, तो अभी तक इसके अंदर ही है। तो यहाँ पर रुका था दोस्तों मैं सेव खाने के लिए। यहाँ पर मेरे को देखो तो देखने को क्या मिला, सोचा आप सभी को बताऊँ। छोटे छोटे बच्चे देखो, इनके प्रोजेक्ट देखो, छोटे छोटे घर बना रहे, घर बना रहे हो हाँ, वाह यार, महल, बच्चों का महल बनाओ बनाओ। शर्मा गए।
बच्चों का प्रोजेक्ट देखा आप लोगों ने, छोटे छोटे घर बना रहे हो, अब अपना प्रोजेक्ट संभालते हैं और थोड़ा व्यापार करते हैं, देखते क्या होते आगे। चश्मे वाले, नंबर वाले, नजर वाले, ऊपर वाले ने गर्म कर लिया है, यहाँ पर मैंने चश्मा बेच लिया है दोस्तों काफी घूमने के बाद में दोस्तों, क्योंकि पता है यार मेहनत का पल दोस्तों जरूर मिलता है। और अभी पापा का फोन भी आया था, शायद वो अब बोल रहे कि चलो घर वापिस चलते, तो देखते क्या होते उनके पास पूछ के। तो चलो अब दोस्तों पापा भी आ चुके हैं, उन्होंने मेरे को फोन करा था कि यहाँ पर आके खड़ा हो जा, तो चलो निकलते है घर सिंधो वापिस, चलते है, मिलते है कल, मिलते कल नहीं अभी मिलेंगे घर पे, चलो चलते। तो घर जाते जाते पापा ने बोला कि मांडे भी ले रहे थे दोपहर के खाने के लिए, तो रोक दिया, मांडे ले रहे गरम गरम दोपहर के खाने में खाएंगे। तो दोस्तों मैं व्यापार से आके नर्वस हो गया था दोस्तों, काफ़ी थक गया था मैं, अभी जस्ट उठा हूँ मैं दोस्तों, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और दोस्तों अभी ये बांटने के लिए जा रहा हूँ अपने दोस्तों को दोस्तों, और चलो चलते यार। हेलो बाबू जी, बिरयानी ये खा लेना, सिकंदर बिरयानी, इधर उनको दिखता भी नहीं है, खा लेना दोस्तों। काफी दुख से कहना पड़ रहा है दोस्तों, भारत के यूपी शहर हादरस में दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, 120 लोगों की मौत हुई है एक ही जगह पर एक ही वक्त पर, जो कि दोस्तों हर कोई ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है, यही कह रहा है कि यह हादसे को रोका जा सकता था क्योंकि यह हादसा नहीं हो सकता था, लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, 120 लोगों की जाने गई है जिसमें से सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे ही मरे हैं। तो ये हादसा किस वजह से हुआ था दोस्तों, वो इस वजह से हुआ था दोस्तों, तो हादरस के छोटे से गांव जिसका नाम है दोस्तों मुगल गढ़ी, वहां पर एक बाबा आए थे जिसका नाम है भोले बाबा, उनके संसद में दोस्तों 15,000 लोग आए थे उनकी भाषण को सुनने के लिए, उनके संसद में बैठने के लिए दोस्तों। बताया जा रहा है कि वहां पर 5,000 की कैपेसिटी था, जब 5,000 की कैपेसिटी था 15,000 लोग वहां पर जमा हुए, उसके वजह से दोस्तों घुटन लोगों के अंदर महसूस हुआ, गर्मी वगैरह बढ़ने लगी तो लोग उठकर भागने लगे, भागते भागते लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, कुछ लोग कुचल के ही मर गए, कुछ लोग घबराहट की वजह से गर्मी की वजह से मर गए, 120 लोग मरते दोस्तों, जिसमें से सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं, क्योंकि वहां पर औरतें ही बच्चे ज्यादा आए थे भोले बाबा की भाषण को सुनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, एंड जो भी चैनल पर नया है प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।